जो बंदे फ्रीजर में उनको हमें छुड़ाना है और जो डेड हो चुके हैं उनके घर पे हमें पैसे भिजवाने पड़ेंगे। क्या रहा, कितने बंदे, क्या प्रॉपर डिटेल बताओ मुझे। जो हिसाब अभी तक मुझे मिला है, 4 बंदे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर रखे हैं। ये लो, देख सकते हो भाई, कहां जाओगे, कहां, ये देख सकते हो भाई, मैं कह रहा हूं उतर जा, सुनाई नहीं, सॉरी, नहीं मान रहा गाइस, अब क्या करूं मैं अगला। आ जाओ भाई, आ जाओ इल्लुमिनाटी गैंग, जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी फटाफट, जो नीचे की साइड गाड़ी खड़ी है ना उसमें फटाफट निकल जाओ, तुम्हारे लिए ही वो गाड़ी है, प्रिजन बस को पीछे की साइड हमने फेंक दिया है, बाय बाय प्रिजन बस, अब कुछ नहीं कर सकते, इस बंदे को फटाफट एम्बुलेंस में बिठा, जल्दी से जल्दी। नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, पुलिस कस्टडी के अंदर है, बिल्कुल नहीं। अरे ओ, होगा, पुलिस का रूल सुनाई दे रहा है, ये ले भूतनी के बंदे के नाम की, क्योंकि अब ये नहीं रहा तो इसके नाम पे हम आखिरी फायरिंग करवा रहे हैं। अरे तो आखिरी यात्रा के लिए गाइस हम निकल चुके हैं, आखिरी यात्रा होने वाली है ये, तो पिताश्री, मैं, लेस्टर, ट्रेवर अंकल जी, फ्रेंगन अंकल जी यहीं पे ही है। और अरे भाई रे, कर देता सिस्टम यू हैंग, ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, सुबह सुबह पेट हल्का हो जाए तो अलग ही फीलिंग आ जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में, तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे करोगे, तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और फिलहाल गाइस देख सकते हो मैं हूँ अपने शौचालय में और यहाँ पे सोच करके हट चुका हूँ, अब देखो यार दिक्कत होगी, तो रात को मैंने खा लिया चिल्ली पटेटो, थोड़ा निकलने में दिक्कत ले रहा था, कुछ ज्यादा ही मसालापन लग गया था, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको पता है गाइस कि फाइनली कल हम पिताजी को बचा के लेके आ चुके, आंटी जी को मैंने बुला लिया, घर साफ ये कर रही है, ठीक है, पिताजी आ चुके और फिलहाल वो सो रखे, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो, और जिसने पिताजी के प्रिजन एस्केप वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो यारो, की करते पाए हो तुसी, छेती जाओ और लाइक एंड सब्सक्राइब करो। देखो अब बात कुछ आई है, पिताश्री सो रखे, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो उनके कमरे में चलते हैं गाइस, उनको उठा देते हैं, क्योंकि भाई देखो सूरज आ चुका सर पर, जैसे पिताजी मुझे बचपन में उठाया करते थे, आज मैं पिताजी को उठाने जा रहा हूँ। पिताश्री उड़ जाओ यार, उड़ जाओ, बहुत टाइम हो गया, उड़ जाओ। अरे जिमी सोने दे, आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड। अरे उड़ जाओ, बस उड़ जाओ यार, आंटी जी ने वो बना रखे आलू के परोंठे खाने सुबह सुबह, उड़ जाओ बस, बहुत सो लिए, 12 बज चुके, जल्दी जल्दी उठो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। तो एक मिनट गाइस, पिताजी का वेट करेंगे हम नीचे की साइड, जब तक मैं आलू के परोंठे खा लेता हूँ। ओ देखिए वो, मैं क्या किथे है, और पिंड मासी ते गई, ये देख रहे हो गाइस, ओ ये पूरे घर की सफाई चल रही है, पिताजी के लिए स्पेशल हमने सोडा भी मंगवा लिया है, और मैं अपना सोडा पी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है, पर नहीं यार आज नहीं पीऊंगा, आज मेरा पेट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, अब एक काम करना है गाइस, लिटिल योगा मुझे करना है, वो कर लूँ अभी या बाद में कर लूँ, सबसे पहले खा ही ले दो, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना हो गई, ओके। अरे नहीं आंटी जी, माता जी भी आ ही जाएगी, देखते हैं अब 2 से 3 दिन में ले आएंगे पिताजी, और मैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फाइनली गाइस खाना मैंने भी खा लिया, खाना पिताश्री ने भी खा लिया, पिताश्री ने तो पहले योगा भी करा भाई, अब पिताश्री से मैं आपको मिलवा देता हूँ, क्योंकि रात को तो आप तसल्ली से मिल नहीं पाए, तो इसलिए अब मैं आपको पिताश्री से मिलवा देता हूँ। हाँ जी पिताश्री, कैसी रही रात, अच्छी तरह नींद आ गई बेड पे, मस्त मजा आया, चैन से सोया तेरा पिताश्री तो बेटे। अरे दे दे दे, कोई दिक्कत नहीं, आप तो रोज ही चैन से ही सोना पिताश्री आपको, वो तब तो ठीक है, पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है यार जिमी। क्या बात आ रही है बोलो। यार मैं उन बंदों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने हमारे प्रिजन एस्केप में मदद करी, जो वो गैंग वाले थे बंदे, उनके बारे में, उनमें से कई तो डेड भी हो गए और कई प्रिजन में। उनके बारे में क्या सोच रहे हो, वो इल्लुमिनाटी गैंग के बंदे थे। अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो और उसे कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट उसे पैसे देते, और वो हमारे लिए काम कर रहे थे सारे बंदे, उन्होंने मेरे को बचाने में मदद करी। मैं चाहता हूँ जिमी जिसके साथ जो जो हुआ है सबको, उसके कुछ तो हम मदद कर पाए, तो जो बंदे प्रिजन में उनको हमें छुड़ाना है और जो डेड हो चुके हैं उनके घर पे हमें पैसे भिजवाने पड़ेंगे। कोई नहीं, मैं सोचता हूँ इस बारे में पिताश्री, मैं बात करता हूँ लेस्टर अंकल जी से, एक बार लिस्ट निकलवाता हूँ, आप दिक्कत ना लो। और साथ ही साथ सुनने में ये भी आया कि कई बंदों को पुलिस वालों ने अरेस्ट भी करा है, मैं लेस्टर अंकल जी से बात करता हूँ और उनको भी मैं पूरा ट्राई करता हूँ छोड़वाने की। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊँ पिताश्री, मैंने ये सोचा है कि इल्लुमिनाटी गैंग के साथ हमारे पंगे तो है ही, और हम उनसे पंगे लेंगे ही, साथ ही साथ बदला तो लेना ही है, उनकी पूरी गैंग डिस्ट्रॉय करनी है, पर जितने भी बंदों इन्होंने हमारी मदद करी है, हम इन इल्लुमिनाटी गैंग वालों को, बंदों को कुछ नहीं करेंगे। बताओ कैसा सोचा मैंने। बिल्कुल सही सोचा जिमी तूने, ओके ठीक है पिताश्री, कोई नहीं, मैं लेस्टर अंकल जी से बात करता हूँ, आप इस चीज के बारे में मत सोचो, फटाफट जाता हूँ मैं लेस्टर अंकल जी से ही पहले बात करता हूँ, आप रेस्ट करो ठीक है। ठीक है जाओ।
माता जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कब लेके आना है क्या नहीं। आज आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक है आप चिल करो। तो फाइनली गाइस देख सकते हो पिता सर ने सही बात बोली, क्योंकि देखो अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो सरकार उसको पैसे देती है भाई, अगर उसकी डेथ वगैरह होगी कुछ भी हो जाए उसे, तो हमारे भी बंदे तो इल्लुमिनाटी हमारे लिए ही काम करे, तो हमें भी उनके लिए करना ही पड़ेगा। अब कितने बंदों के साथ क्या हुआ ये लिस्ट भी हमारे पास नहीं है, मैं लेस्टर अंकल जी से बात करता हूँ, उनसे लिस्ट निकलवाता हूँ कि अंकल जी क्या क्या सीन है एक बार बताओ मुझे। लेस्टर अंकल जी के पास ही मुझे जाना पड़ेगा इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। और सही चीज़ है यार, ये तो मेरे दिमाग में बात आई नहीं, क्योंकि भाई वो बंदे हमारे लिए ही तो काम कर रहे थे, और सुनने में तो ये आया कि कई इल्लुमिनाटी गैंग वाले तो भाई अच्छी तरह निकल के वहाँ से आराम से भाग लिए, ठीक है, और कई को पुलिस वालों ने भी अरेस्ट कर लिया है, और कई तो दुर्घटना के टाइम ऐसी तैसी हो चुकी है। अब कितने बंदे क्या लिस्ट है पूरी की पूरी वो तो गाइस अब हमें पता ही चलेगी, पर लेट्स सी जो होगा सो होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलो चलते हैं फिर सीधा लेस्टर अंकल जी के पास, और मुझे लेस्टर अंकल जी के घर ही जाना है सीधा, तो चलो बिना किसी देरी के मैं कट करने पड़े आपके लिए सुबह अंदर सामने। क्या बात है, तो फाइनली गाइस बस पहुंच चुका हूं मैं लेस्टर अंकल जी के घर के पास। देखो अब यहीं से अपन को लेस्टर अंकल जी के कट के लिए मुड़ जाना, ऊपर से मुड़ना था वैसे तो, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेस्टर अंकल जी से मेरी ऑलरेडी बात हो गई थी, और मैंने इन्हें बोल दिया था लेस्टर अंकल जी लिस्ट निकाल के रखो, उन्होंने सारा डाटा ले लिया इल्लुमिनाटी गैंग वालों से भी कि कौन कौन बंदे उन्होंने भेजे थे। अब देखो अब अंकल जी ने पूरा मेरे ख्याल से कन्फर्म कर लिया होगा सारा सीन, और अब आपको ब्रीफली अंकल जी भी समझा ही देंगे। इसलिए गाइस जब मैं पिता जी के दिमाग में ये चीज़ रहनी नहीं चाहिए कि ऐसा हमारी वजह से हुआ इन बंदों को ये सब वो सब, तो इसलिए ये क्लियर करने के लिए चीज़ें जरूरी भी थी। तो सही है ना, हमने लिस्ट मंगवा ली, अब क्या ही दिक्कत आ रही है। किस साइड अंकल जी का घर भी तो इतना कन्फ्यूजिंग वाली जगह है, इस साइड है यार, आई एम टोटली कन्फ्यूज। अंकल जी का घर भी तो देखो साइड, इससे इतने टाइम बाद आ रहा हूँ अंकल जी के घर पे। लो भाई फाइनली आई एम हियर लेस्टर अंकल जी के घर के पास, और इनके घर के इधर कंस्ट्रक्शन ही रहती है, और ये कभी ठीक भी नहीं होती है, अपनी गाड़ी यही ठीक है। ओके लेट्स गो, चलो चलते हैं और बात करते हैं लेस्टर अंकल जी से। अरे अंकल जी गेट खोल दो, ये अंकल जी भी कॉमेडी कर रहे हैं यार, गेट नहीं खोलते। हाँ जी लेस्टर अंकल जी, राम राम, उतरे की रात की। मैंने तो पी ही नहीं जी, मैं कैसी बातें करता है तू बेटे, मेरे से ना छुपाया करो, दिख रहा सब। ये छोड़ो जो काम मैंने बोला था, क्या रहा, कितने बंदे, क्या प्रॉपर डिटेल बताओ मुझे। जो हिसाब अभी तक मुझे मिला है, 4 बंदे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर रखे हैं, और एक बंदे को हम नहीं बचा पाए तो यूँ कह सकते हैं, वो बंदा अब हमारे साथ नहीं है, वो डेड हो चुका है। ये अभी तक मुझे खबर मिली है, और ये खबर भी मुझ पर फिक्स नहीं है, अभी मैं तुझे बताऊँ, अभी फिक्स जो होगी वो मैं तुझे बता दूंगा। पर हाँ, बंदे अरेस्ट पुलिस वालों ने पक्का कर लिए है, हमारे इल्लुमिनाटी गैंग वाले। ये सीन है जिमी, समझ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो गाइस जैसे कि आपने सुन लिया, 4 बंदे अरेस्ट है पुलिस वालों के पास, और एक ही बंदा डेड है। ओके, तो हमें क्या करना है लेस्टर अंकल जी, इन डेड वाले की भी बॉडी हमें चाहिए, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, हमें जो हमारे 4 बंदे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर रखे ना, उनको भी छुड़ाना है। तो प्लान बताओ क्या है। देख, जिन बंदों को अरेस्ट कर रखा ना, वहाँ से प्रिजन बस में ही निकलेंगे वो, तो तेरे को उसी लोकेशन पे जाना है। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, और प्रिजन बस से उन्हें निकालना पड़ेगा, ये दिक्कत है। और वहां मैं गाड़ी की जुगाड़ करा दूं, जिससे वो बंदे फिर वहां से फरार हो जाए। ये कर सकते हैं हम, जो अरेस्ट कर रखे बंदे उनके लिए। अब देखते हैं बाकी क्या सीन है। ओके, ये तो हो गया उसका, और जो डेड बॉडी है वो हमें कैसे मिलेगी उस बंदे की, इसकी भी तू दिक्कत ना ले। देख, पैलिटो पे जो है ना, वहाँ पे वो है डॉक्टर साहब, वही सब चीजें देखता, पोस्टमार्टम वगैरह करता है। तो ये सीन है, उससे बातचीत कर लेंगे, उसको थोड़ा रोकड़ा रोकड़ा दे देंगे, वो सेटलमेंट करवाएगा कैसे ना कैसे, फिर तू आराम से ले जाएगा। बाकी का प्लान मैं तुझे फोन पे बताऊंगा, तो यही है अभी तक का तो प्लान, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। और इसके जो बंदा इस दुर्घटना में जो डेड हो गया ना, तो इसके कोई परिवार वगैरह, इसकी इन्फॉर्मेशन, इस चीज के बारे में मैंने पता करा, खुद इल्लुमिनाटी गैंग वालों से भी पूछा, तो कोई खबर नहीं मिली, मतलब कोई नहीं है, मतलब इसके साथ कोई है ही नहीं अभी तक की इन्फॉर्मेशन से, कोई भी नहीं है। चलो कोई नहीं, इसके साथ का कोई नहीं है ना, तो जो भी होगा वो मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ अंकल जी, मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि आप लोगों को भी बता दूँ गाइस मैं, कि पिताश्री चाहते हैं सब कुछ अच्छी तरह हुए, जो भी बंदा डेड हुआ है ना, आज हम उसका फ्यूनरल वगैरह के लिए भी लेके जाएंगे, अगर हम उसे बचा लेके आए, उसकी डेड मतलब डेड बॉडी को हम लेके आए, ठीक है अंकल जी। मैं निकल रहा हूँ, लोकेशन भेजो आप फटाफट। तो गाइस देखो, हमें प्रिजन बस से पहले तो अपने इल्लुमिनाटी गैंग वाले बंदे छुड़ाने हैं,
और वो बंदे छुड़ाने के बाद हमारा अगला सीन होने वाला है। पहले तो मैं सैंडी सोर्स के लिए निकलूँ गाइस, क्योंकि सैंडी सोर्स से ही वो प्रिजन बस निकलेगी जो कि उन्हें मेन प्रिजन तक लेके जाएगी, क्योंकि रेगुलर चेकअप के लिए ही आपको पता है वो पहले तो वैसे गाड़ियाँ निकल के आती है और वो उसी रास्ते से ही आती है। तो ये सीन है पूरा का पूरा। पहले जो भी क्रिमिनल होता है उसे प्रिजनर को लेके जाते हैं चेकअप के लिए, मेडिकल होता है उसके बाद प्रिजन लेके जाएंगे। उसे बीच रास्ते में मैं उनको बचा लूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करी है और अब उनको पुलिस वालों से बचाने के लिए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी, समझ लो। ये है पूरा का पूरा सीन। तो फटाफट चलते हैं लोकेशन में और जो भी होता है फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम इल्लुमिनाटी गैंग वालों को बचाएंगे और देखो अपन को जो इल्लुमिनाटी गैंग वाला बंदा जो नहीं रहा है उसकी डेड बॉडी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में बंद करके पैसे खिला देंगे, उसकी डेड बॉडी हमें यूं ही मिल जाएगी। क्योंकि देखो अब सरकार भी क्या ही करेगी उसकी डेड बॉडी का, कुछ नहीं करेगी, क्या ही छानबीन करेगी, कुछ मिलने वालों में से तो था नहीं उससे, क्योंकि उसकी फैमिली में भी कोई भी नहीं था। तो इसीलिए मेन सीन यही है, हम उसको अच्छी तरह उसकी आत्मा को शांति मिले इसलिए उसका कार्य पूरे हम सब कुछ अच्छी तरह कर देंगे। तो फिलहाल गाइस मैं उसी जगह खड़ा हूँ जैसे कि आपको पता जहाँ मैं कल था, यहीं से प्रिजन बस आई थी और हमने उसे ले जाके फोड़ दिया था और यहीं से ही वो दूसरी प्रिजन बस आने वाली है। ठीक है, लेस्ट अंकल ने मुझे सारी अपडेट दे दी, मुझे वेट करना है प्रिजन बस का। प्रिजन बस आएगी और प्लान में ये है कि हमारे तीन ही बंदे इस प्रिजन बस में होने वाले और एक डेड हुआ है, ये है हमारे पास फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, तीन को अरेस्ट और एक डेड हुआ है, ये है। अब पहले मैं अरेस्ट वालों को बचा लूँ और उसके बाद हम आगे का सीन करने वाले हैं। ठीक है, काश कि सब चीज़ें आराम से हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, मैं चाहता हूँ कोई दिक्कत ना हो। वेट करते हैं भाई, एक बार प्रिजन बस बस कुछ ही देर में यहाँ आती होगी, क्योंकि पिताश्री को दिल को तसल्ली हो जाएगी इसके बाद कि हाँ भाई हमने ये दिक्कत नहीं करी, मतलब इनको मदद ही नहीं करी इनको। और ऊपर से इल्लुमिनाटी गैंग वाले ने भी बोला कि भाई हमें हमारे बंदे सेफ चाहिए, अगर वो नहीं भी बोलते तो भी हम उनको सेफ रखते और जो डेड हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम ट्राई करेंगे अगर उसकी फैमिली का कोई भी हुआ तो उसकी मदद कर पाए। तो भाई पुलिस के सायरन की आवाज़ तो आई है पर अभी तक प्रिजन बस मुझे नहीं दिखी है यहाँ से निकल रही प्रिजन बस। वो रही, ये देखो मैंने कही थी ना रेड्स को, अरे ये क्या है, प्रिजन बस के साथ साथ आज गाड़ी भी है पुलिस वालों की, ये तो भाई सिक्योरिटी दे रही है भाई उन्हें। वेट अ सेकंड, मुझे क्या करना है, आई नो गाइस ऑलरेडी हमारी भैंस की ये लो ये देख सकते हो भाई, कहाँ जाओगे कहाँ, ये देख सकते हो गाइस मैंने हमला कर दिया। अरे सॉरी अंकल जी सॉरी, ये देखो गाइस मैंने पुलिस वालों को तो ठेल दिया पीछे, पर इनको रोकना पड़ेगा। अब मैं चाहता नहीं, गाड़ी को मैं देखो पंचर कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। रोक ले पुलिस वाले, कोई दिक्कत नहीं, आई भी तक तो जाने नहीं दूंगा मैं। रोक ले। अरे भाग रहा है तेरी ऐसी तैसी, अरे नहीं ये तो दिक्कत हो जाएगी गाइस, गेट डाउन मारा मैंने तेरी बहन की टैट। अरे रे ये मेन हाईवे तक चलेगा ना गाइस, ऐसी तैसी हो जाएगी। ये लो मैं सही वाला टायर भी पंचर कर दिया, ये लो टायर ही पंचर कर दिया, अब कहाँ जाएगा बेटे। ले मैं कह रहा हूँ उतर ले भाई, मैं नहीं किसी को हमला करना चाहता, उतर जा भाई उतर जा, मैं कह रहा हूँ उतर जा, सुनाई नहीं सॉरी, नहीं मान रहा गाइस, अब क्या करूँ मैं अगला। आ जाओ इल्लुमिनाटी गैंग जल्दी बाहर आ जाओ जल्दी, तुम्हें क्या लगा तुम्हें यूं ही हम छोड़ देंगे, नहीं। तो फाइनली गाइस इल्लुमिनाटी गैंग को तो मैंने बाहर निकलवा दिया, सुनो मेरी बात, तुमको क्या करना है फटाफट जो नीचे की साइड गाड़ी खड़ी है ना उसमें फटाफट निकल जाओ, तुम्हारे लिए ही वो गाड़ी है, फटाफट निकल के यहाँ से फरार हो जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी तुम फरार होगे उतना सेफ है, क्योंकि आगे इनकी टीम के पास पहुँच जाएगा कि भाई बंदे फरार हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी तुम्हें क्या लगा तुम्हें हम यूँ ही पकड़ने देंगे पुलिस वालों को, नहीं तुमने हमारी मदद करी है अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, जल्दी फरार हो जाओ, जाओ फटाफट, जब तक मैं इस बस का देखता हूँ भाई क्या करना है, इस बस को मैं छोड़ नहीं सकता। बेटा सेकंड आई नो कि क्या करना है, काश कि हमारी स्विफ्ट इतनी ताकतवर हो, क्या ये हमारी इसे खींच पाएगी, चल भाई स्विफ्ट में है दम, ये खींच तो पा रही है पर क्या ये इस साइड खींच पाएगी, आ जा गाइस इसको मेरे को इस रास्ते से क्लियर करने पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसे खाली करूँगा। ओके अरे आराम से जा तो रही है नीचे की साइड, क्या ये जा पाएगी, एक सेकेंड मुझे लग रहा है मुझे, अरे मेरी गाड़ी के पीछे हमला ना कर दिए, अब इस गाड़ी को गाइस मुझे बीच पानी में ही फेंकना पड़ेगा, लेट्स गो, चल ये ले, देखो गाइस प्रिजन बस को पीछे की साइड हमने फेंक दिया है, बाय बाय प्रिजन बस, अब कुछ नहीं कर सकते थे गाइस हम। ठीक है, हालांकि हम अभी कंप्लेन कर देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, ताकि टीम आके इस बंदे को तो कम से कम बचा ले, अब क्या कर सकते हैं भाई, हमें मजबूरन ये करना पड़ रहा है। ठीक है, ओह बेटा सेकंड पीछे की साइड, अरे ये तो
तो नाश हो रहा है हमारे साथ। चलो 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 फटाफट फरार हो जाते हैं। गाइस अब आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ी है। इल्लुमिनाटी गैंग को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था और यहीं पे हमारे पंगे हुए ना। देखे तो सही क्या सीन है क्या नहीं, कहाँ है वो गाड़ियाँ, ये देखो भाई ये देखो। अरे नहीं चाहता ना गाइस वो मुझे करना पड़ रहा है। ये देख रहे हो जानबूझ के मुझे उसकी गाड़ी में भी करनी पड़ी फायरिंग और वो डर के मारे बेहोश हो चुका है। ओके पुलिस वालों की यार मेरे को तो लगता है यहीं से फरार ही होना पड़ेगा क्योंकि भाई और गाड़ियां भी आ सकती है। नीचे तीन नी 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 बज रही है। मेरे ख्याल से यहां से मैं निकलता हूं गाइस, सीधा पहली ऑटो में निकलता हूं। जो मुझे यहां पे करना था मैंने कर दिया, गैंग वालों को तो बचा लिया ना, बस अब निकल गए हैं। गैंग वाले भी तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, निकलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं पहली ऑटो पे जाके। ओके मित्रों लेट्स क्या बात है भाई, शिफ्ट तो मस्त लहरा रही है भाई। पर मुझे ना ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ेगा जहाँ पे किसी को शक ना हो मुझ पे। अरे नहीं अरे तेरी भैंस की, ओ भाई ये क्या सीन हो गया यार, मुझे लगा रास्ता है गाइस यहाँ, जब किस्मत हो खुदू फिर की करेगा बोन मिटे दा दूध भाई, जैसे को तैसा हो गया। देखो मैंने गलत चीज करी और मेरे साथ गलत हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो मेरी गाड़ी पानी में बह चुकी है। अब इसको इतना टाइम नहीं है कि मैं निकाल पाऊँ, फटाफट कुछ जुगाड़ करके मैं पहले ऑटो पे पहुंचता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक है डॉक्टर जैसे तुम कहोगे हम वैसे ही करेंगे और तुम्हारी पेमेंट जैसे ही हम उसे लोकेशन तक तो छोड़ो हम अपनी एम्बुलेंस में बिठा देंगे ना, तुम्हारी पेमेंट तुरंत हो जाएगी। तो गाइस हमारे इस डॉक्टर के साथ डील हो चुकी है, हालांकि ये किसी को डेड बॉडी के पास तक नहीं जाने देते क्योंकि इनको पुलिस वाले कहते हैं ठीक है। पर सीन ये है हमने इन्हें पैसे दे दिए, सारी डील डन कर दिए। देखो अब इन्होंने प्लान भी मुझे बता दिया, मैं जाऊँगा प्रिजन में सीधा इसे घुसंड मारूंगा, घुसंड मार के डेड बॉडी इसके स्टाफ को बोलूंगा कि फटाफट रख दो, इसे भी बोलूंगा कि फटाफट एम्बुलेंस में रखवाओ और एम्बुलेंस लेके फरार हो जाऊंगा। ये हमारी फिलहाल के लिए यही प्लानिंग है। अब चल भाई फटाफट निकल ले तू, तो ये फटाफट गाइस हॉस्पिटल जा रहा है तो मैं जाता हूँ और इसको धमकाता हूँ और एक घुसंड तो इसे मारना ही है मुझे ताकि ये डर के मारे फटाफट सारा सीन कर दे, समझ लो ये सीन है प्रॉपर। अब देख रहे हो भाई कैसे प्लानिंग के हिसाब से हम डेड बॉडी लेके जाने वाले क्योंकि उसकी आत्मा को शांति तो हमें दिलानी ही है कैसे भी करके। तो चलो वो तो पहुंच गया गाइस, अब हमें जाना चाहिए लेट्स सी ये डॉक्टर साहब की प्लानिंग कुछ काम की भी है कुछ मोचा। भाई मैं तो कैसे भी करके ले ही जाऊंगा, इतना मुझे भी पता है बंदूक के नोक में ले जाऊंगा कैसे ना कैसे तो ले जाऊंगा। देखो हॉस्पिटल में मैं आ चुका हूं गाइस ठीक है, और इस टाइम हॉस्पिटल के सारे कैमरे बंद होने वाले। ये रहा देखो उतरा इस पर्सन ओनली, हां भाई डॉक्टर साहब इस बंदे को फटाफट एम्बुलेंस में बिठा जल्दी से जल्दी जल्दी, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, ये पुलिस कस्टडी के अंदर है, बिल्कुल नहीं कर सकते हम ऐसे, किसी को जान किसी को किसी के हाथ में नहीं दे सकते। नो 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 अरे ओ होगा पुलिस का रूल, सुनाई दे रहा देखो ये ले भूत नीचे ये घुसन में मान गया कि नहीं। अरे रे 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 आवाज तो बहुत आई है फटाफट। तो गाइस देख सकते हो उसको मैंने घुसन मार दिया है, अब फटाफट अब इसको लेके चलते। ये रहा गाइस वो इल्लुमिनाटी गैंग का बंदा जिसको हम नहीं बचा पाए यार, पर इसकी आत्मा को तो हम शांति दिला ही सकते हैं ना, दिक्कत मतलब सब कुछ अच्छी तरह ही करेंगे गाइस हम। ओह नो इट्स हर्ट, अब तो मैं ही खुद सैड सैड एंड लोनली लोनली हो गया हूँ गाइस इसे देख के। तो फाइनली गाइस एम्बुलेंस में रख दिया गया है उसे और अब आगे की तैयारी के लिए मैंने लेस अंकल जी को बोल दिया गया है ये एम्बुलेंस सीधा गाइस मेरे मैंसन में जाने वाली है क्योंकि मैंसन में से ही हम भाई इसकी आखिरी यात्रा जो है लेके जाएंगे। तो यही हमारा सीन है ठीक है, एम्बुलेंस का मैंने हूटर स्टार्ट कर दिया ताकि कोई बीच में ना आए, आप देख सकते हो फटाफट। अब पुलिस को कंप्लेन अभी नहीं जाएगी यार क्योंकि मैं उसे घुसंड मार रखा, वो बेहोश हो रखा ऑलरेडी। ये देख रहे हो ये गाड़ी कैसे साइड में और ब्रेक लगा के हट जाएगी, ये सीन है। ये पूरी तेज गाड़ी लेके मैं फटाफट लॉस सैंटोस पहुंचता हूं और पिता श्री को भी मैंने मेंशन में बोल दिया कि आप पहुंचो, उनको सही नहीं तो जो उठा लेंगे घर से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पुलिस वाली गाड़ी है, ये एम्बुलेंस को रोकेंगे भी क्यों, इन्हें लग रहा है एम्बुलेंस में भाई ये किसी को मदद करने के लिए जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो क्रिमिनल इन्होंने पकड़े थे कल उन्हीं को ही मैं लेके भाग गया हूं और हमारे बाकी बंदे जिनको मैंने अभी छुड़ाया है ना गाइस वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं मेंशन में। तो फाइनली वो तो सब सेव है, पर यार इस एक का मुझे काफी ज्यादा दुख रहेगा कि यार पिताश्री को बचाने के चक्कर में इसके साथ ये चीज हो चुकी है। पर जब किस्मत हो खुदू फिर की करेगा बोन बेटे। तो जैसे कि आपको पता है थैनोस भैया जी ने भी कह रखा है होनी को कोई टाल नहीं सकता,
मैं ही होनी और मैं ही अनहोनी। तो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट। और कुछ हम कर भी नहीं सकते, पर एक दिख रहा है कि एम्बुलेंस में फ्यूल भी नहीं है भाई। आप देख लो सुई पूरी एंड पे जा रही है। अब फ्यूल डलवाऊं या नहीं डलवाऊं, डलवा ही लेता हूं भाई बीच। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने मेंशन में। आप देख पाओगे कि ऊपर जितने भी इल्यूमिनाटी गैंग वाले थे ना, मोस्टली अब एक ही बंदा वहां खड़ा हुआ है, क्योंकि बात ऐसी है सारे यहां खड़े हुए हैं गाइस। ठीक है, अब आखिरी बार सब उससे मिल लिए हैं, और जो गेट वाले वो भी अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं, और इसको हमने एक को वहाँ खड़ा कर दिया है। और साथ ही साथ जो ये बिल्कुल सामने चार खड़े हैं उसके लिए आखिरी बार फायरिंग करेंगे गाइस, ये हमने सोचा है। और ये देख सकते हो ट्रेवर अंकल जी, फ्रेंगन अंकल जी, पिताश्री और लेस अंकल जी भी हमारे इस आखिरी बंदा जो क्या बोले यार, मैं तो रोने को हो रहा हूँ। तो गाइस देखो, ट्रेवर अंकल जी, फ्रेंगन अंकल जी और पिताश्री और लेस अंकल जी भी आखिरी बार देखने के लिए मिलने आए थे इससे। अब क्या कर सकते, इसने हमारा पूरा साथ दिया तो कुछ नहीं, अब इसके लिए फायरिंग होगी। तो लोंडो चालू हो जाओ, देरी किस बात की है, कर दो भाई साहब फायरिंग चालू, और क्या। तो ये देख सकते हो गाइस उसके नाम की फायरिंग चालू हो चुकी है हमारे इस बंदे के नाम की, क्योंकि अब ये नहीं रहा तो इसके नाम पे हम आखिरी फायरिंग करवा रहे हैं। करते रहो करते रहो, अब इसको अब इसकी आत्मा को शांति तो हमें दिलवानी है ना। लाते रहो लाते, देख सकते हो गाइस हम नहीं मानने वाले, अब उस बंदे की शांति के लिए हम ये सब करवा रहे हैं, और इसके बाद हम इसको लेके जाने वाले। सुंदर कार बस थोड़ी ही देर में आती ही होगी। अब देख सकते हो भाई ऊपर हवा में फायरिंग हो रही है, देख रहे हो, कैसे पिस्टल खाली कर देंगे भाई हम जमीन पे। आप देख रहे हो कैसे गोलियां जमीन पे पड़ रही है, लगा चलाओ 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 चलाओ। ओह माय गॉड, काफी सैड मूवमेंट है वैसे तो ये, पर क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते अपन लोग भी। देख सकते हो भाई यहाँ तो अलग ही सीन हो रहा है, मैं थोड़ा दूर होकर आपसे बात करता हूँ। भाई देखो सामने की साइड गोलियां चल रही है, वो तो हम ही चलवा रहे हैं, क्यों चलवा रहे हैं आप लोगों को बताइए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आसपास के लोग तो घबरा जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, पर भाई हम अपने एरिया में कर रहे हैं ये सब, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखो कैसे चारों गोलियां ऊपर फायरिंग हवा में चल रही है, कम से कम एक मिनट ये और चलेगी भाई। अब पिस्टल खाली तो करेंगे, बेचारा अब हमारे बीच में नहीं रहा भाई। ये देखो ना भाई कैसे लाइन पे सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अरे ये काफी सोसाइड वाला मूवमेंट है गाइस वैसे तो ये, पर क्या कर सकते हैं हम भी एक बार शांति से, उसके लिए मन की शांति के लिए गाइस प्रार्थना करते हैं। एक मिनट, गोलियां एक बार चलने से खत्म हो जाए, 30 सेकंड और गोलियां चलेगी गाइस, उसके बाद ये मैं बंद करवा दूंगा। उसके बाद उसकी आत्मा को शांति देने की हम यहाँ पे भी कहेंगे कि भाई इसकी आत्मा को शांति मिले, और इसके बाद हम फ्यूनरल कार में भी लेके जाने वाले हैं। देखते हैं अब होने वाली है, पर फायरिंग खत्म हो जाए जब तक हम फायरिंग के मजे उठाओ। ये लो मजे तो क्या ही उठाओगे फायरिंग के यार, ये लो। ओह नो, बस करो भाई बस बस बस। तो फाइनली गाइस अब आप देख सकते हो फायरिंग वगैरह होने के बाद इल्यूमिनाटी गैंग और हम सारे भी इस बंदे की आखिरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर रहे, क्योंकि भाई यही था कि भाई फायरिंगों के साथ इसको अलविदा मिले। तो फायरिंग ये तो हो चुकी है, बस अब क्या गाइस, अब हम थोड़ी ही देर में इसे लेके जाने वाले हैं। फ्यूनरल कार बस थोड़ी ही देर में आती होगी, उसमें लेके जाएंगे। अब देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन्हें फ़ोन तो कर दिया था कि भाई आ जाओ आप लोग, पर लेट्स सी क्या है क्या नहीं। अब आखिरी बार प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई इसकी आत्मा को शांति मिले। आप भी गाइस हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ी देर हम प्रार्थना करते हैं शांति से। तो फाइनली गाइस प्रार्थना इज ओवर, अब जैसे एक बार गाड़ी आ जाए फिर मैं आप लोगों से मिलता। ओके तो फाइनली गाइस अब हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। पिताश्री एक बार बैठ जाए, लो भाई पिताश्री भी बैठ चुके, एक बार लेफ्ट अंकल जी पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाए और फिर हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि भाई ये चीज़ भी ज़रूरी थी, उसने हमारे लिए इतना सब कुछ करा। देखो हमें उसका नाम नूम नहीं पता था, पर एक इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर मिली है इसके बारे में, क्योंकि लेफ्ट अंकल जी ने इतना ट्राई करा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले यहाँ से हम निकलते हैं। पीछे वो वाली गाड़ी लेफ्ट अंकल, ट्रैवल अंकल जी चला रहे हैं। आप देख सकते हो गाइस आखिरी बार ये जो सीन आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है भाई, आखिरी यात्रा देखो निकल चुकी है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सैड मूवमेंट है गाइस, क्योंकि पिताश्री को तो हम फाइनली बचा लाए, पर ये सैड मूवमेंट तो है ना गाइस, क्या कर सकते हैं। खोलो भाई खोलो खोलो खोलो, गेट भी खुल चुका है गाइस हमारे लिए, दूसरी गाड़ी हमारी उधर से आती रही होगी। लो भाई तुम्हें भी, ये लो भाई देख लो गाइस,
आखिरी यात्रा के लिए निकल चुकी है ये गाड़ी भी। अब यहाँ से हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ साइड में अपन को जाना है। एक बार दूसरी गाड़ी भी आ जाए, लेसन अंकल जी वगैरह की, फिर अपन निकलने वाले। वेट करते हैं भाई, वो थोड़ा सा पीछे वाले गेट से होते हुए आएंगे, पता नहीं इनसे गाड़ी नहीं निकालेगी कैसी ने। लो भाई आ गई दूसरी गाड़ी भी, आ गई जिस चीज की मैं बात कर रहा था, ये लो आ गई ना दूसरी गाड़ी भी, यही सीन है। तो देख सकते हो गाइस, ओ माय गॉड, अरे रे रे रे। तो आखिरी यात्रा के लिए गाइस हम निकल चुके हैं, आखिरी यात्रा होने वाली है ये। हमारे इस भाई साहब की इल्लुमिनाटी गैंग का मेंबर था गाइस ये भी, पर चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं भाई, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आखिरी यात्रा इस हिसाब से होगी, हम तो खुशी मना रहे थे कि भाई पिताश्री को बचा लिया, पर ये तो होना ही था। क्या ही कर सकते, देख सकते हो गाइस गाड़ी को मैं लेके जा रहा हूँ, पीछे की साइड ड्राइवर अंकल जी भी आ रहे हैं और सीधा निकल जाएंगे। हमें रेड लाइट वगैरह में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो रोड होता है, पर अपन नहीं रुकने वाले गाइस, ठीक है। अब यहाँ से अपन कट लेके इसी साइड से ले लूँ, पर चलो कोई नहीं, सीधा ही ले लेते हैं गाइस, क्योंकि अंदर से हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे। अरे देवा, अब पिताश्री ने पता नहीं कौन सा स्लॉट हमें जाना है गाइस, जहाँ पे अपन को जाने का है, पिताश्री ने बुक कर रखा सारा का सारा सीन, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब अंदर यही वाली गाड़ी जाएगी ओनली, और कोई गाड़ी नहीं जाएगी। अब ड्राइवर अंकल जी वगैरह की गाड़ी पीछे ही रुक जाएगी, मैं आप लोगों को इतना बता दूँ। तो यहाँ के रूल्स हैं जो कि मेरे को पिताश्री ने ही बताए हैं। अब जहाँ पे अपन को जाने का एक बार पिताश्री कन्फर्म कर लें, फिर मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। बाकी हमने गाड़ी इसीलिए फिलहाल यहाँ पे रोक दी है कि एक बार कन्फर्म हो जाए, फिर हम उसी साइड जाएंगे और फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। बाकी एक बार वो कहाँ रह गया, देखो यहाँ पीछे की साइड हमने फूल वगैरह भी लगा दिए हैं गाइस, आखिरी यात्रा है जो हमारी, पर चलो इट्स अ वेरी सैड मोमेंट फॉर अस। तो गाइस फ्रेंड अंकल जी वगैरह की गाड़ी पीछे रुक गई और मुझे बता दिया गया कि हमें किस साइड जाना है, यहाँ से मुड़ना है और अपन को यहाँ से जाना है। हालांकि रास्ता पीछे की साइड से होता, हम गलत आ जाते थोड़ा सा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। और यहाँ से ही हमें दूसरा नंबर बोला गया, कौन सा है, उन्होंने कहा कि आपको दिख जाएगा, ये रहिए रहिए गाइस, हमें यहीं रुकने का है, लेट्स गो। अब यहीं अपनी गाड़ी रहेगी और अपनी आखिरी यात्रा इन भाई साहब की भी यहीं होने वाली है। एक बार फैंगन अंकल जी वगैरह भी हो जाए, एक बार सारा सीन हो जाए ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ऑलरेडी हमने सारा सीन करवा दिया था, यहाँ पे यहीं पे ही सारा चीज़ें होएगी, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे मिट्टी वगैरह निकाल दी गई है, सारा सीन आप देख सकते हो ही गया। बस अब कॉफिन यहाँ पे रखा जाएगा, अब यही कहते हैं ना मेरे पिताश्री, जब नहीं पता होता ना जी तो चुप रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है चुप हुई मैं पिताश्री, देख सकते हो यहाँ भी पिताजी मुझे धमका ही रहे। मैं तो बस पूछ ही रहा था भाई, मुझे चीजें थोड़ी पता है, मेरे को जो जो पता है तो मैं वो गाइस आपको बता ही दिया, पर चलो कोई नहीं, पिताश्री वैसे अभी थोड़े से वैसे मूड में है तो इस चीज के बारे में अपन बात नहीं करते, ठीक है, ओके। एक बार ऐसा अंकल जी को आने दो। फाइनली गाइस आप देख सकते हो आखिरी जो प्रोसीजर होना था वो भी हो चुका है। अब देखो इतनी मेरे को इस चीज़ की नॉलेज तो नहीं है, पर जो जो मैं आपको दिखा दिया गाइस आप देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे जो उनकी जो ये गैंग वाले थे, उन्होंने हमें फ्लावर्स वगैरह भी दिए थे, वो भी हमने इसके साथ ही रख दिए हैं। और इसकी जो गन थी वो भी हमने इसके साथ ही रख दिया, आप देख सकते हो। पिताश्री, मैं, लेस्टर, ड्राइवर अंकल जी, फ्रेंगिन अंकल जी यहीं पर ही हैं। और यहाँ पे ये जो भी गाइस चीज़ प्रोसीजर होता है वो करा जा रहा है। काफ़ी सैड मोमेंट है ये वैसे तो, पर चलो क्या कर सकते हैं गाइस, हमें ये करनी जरूरी भी थी, क्योंकि यूं ही इनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। तो होप करता हूँ गाइस आज की वीडियो में आपको मज़ा तो क्या ही आया होगा, पर मैंने आपको दिखा दिया आज की वीडियो में हमने क्या करा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही साथ बताना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अब आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी सैड सैड तो होगी, पर चलो कोई नहीं गाइस, जल्दी हम आपके लिए और तड़कती भड़कती वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, यू टाटा, चंगा फिर अगली वीडियो।